पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में गुरुवार को करीब 6 बजे एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मझोला थाना क्षेत्र के पार्श्वनाथ प्रतिभा अपार्टमेंट की है। घटना के समय भाजपा नेता अनिल चौधरी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही टहल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तभी काले रंग की बाइक से आए 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। अनिल चौधरी संभल के एचोड़ा कम्बोज थाना क्षेत्र के आयलिया नेकपुर गांव के रहने वाले थे। पिछले कई सालों से वो पार्श्वनाथ प्रतिभा अपार्टमेंट के टावर 7 में फ्लैट नंबर 402 और 401 में रह रहे थे। 2021 में अनुज ने संभल के असमौली ब्लॉक से प्रमुख का चुनाव लड़ा था। इसी को लेकर अनुज की कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। देर शाम इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि आरोपी बाइक से आए थे और गोली मारकर भाग गए। सूचना मिलते ही एसएसपी हेमराज मीणा समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंच गए। एसएसपी ने फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया। परिजनों ने दो लोगों को नामजद किया। नामजद आरोपियों में एक अनिकेत चौधरी भी भाजपा नेता है। उसकी मां असमौली ब्लॉक प्रमुख है। हत्यारों की अरेस्टिंग के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। वारदात के बाद बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। मृतक किसान मोर्चा से भी जुड़ा था, इसलिए मौके पर भाकियों से जुड़े लोग भी पहुंचे थे। देखिए, आज करीब 5:30-6 के बीच में एक घटना हुई है थाना मझोला क्षेत्र में, जिसमें एक अनुज चौधरी नाम के व्यक्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा बाइक सवार अज्ञात बदमाशों के द्वारा मझोला थाना क्षेत्र में पार्श्वनाथ जो एक हाउसिंग सोसाइटी है उसमें अंदर गेट के पास में घूमते हुए पीछे से आकर गोली मारी। उसमें अब तक जानकारी मिली कि 315 बोर और 32 की पिस्टल से गोली मारी गई है और वहाँ से जो कार के सब बरामद हुए हैं। और उसके बाद में इनको यहाँ पे ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में लाया गया, तो यहाँ पे इलाज के दौरान इनको मदद घोषित कर दिया गया है। और अभी सभी लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और इस घटना की जानकारी दी जा रही है। परिजनों से अभी तहरीर प्राप्त हो रही है, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अमित चौधरी नाम के व्यक्ति को नामजद किया गया और दूसरे एक अनिकेत नाम के व्यक्ति को इसमें नामजद किया गया। मृतक जो है ये असमौली जो थाना क्षेत्र है, असमौली क्षेत्र के रहने वाले हैं संभल के, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया वो भी संभल के ही दोनों के रहने वाले हैं। हमारी जो टीमें हैं इसमें जो हमारी सभी 5 टीमें इसमें गठित की गई है। एक हमारी एसओजी टीम है जो इस पर काम कर रही है, थाना आकवाड़ा, थाना मझोला, और इसके अलावा सीओ हाईवे और सीओ सिविल लाइन की टीम इसमें एसओजी काम कर रही है। मेरे द्वारा भी इस घटना का जो भी अनावरण का सजग किया के लिए सुपरविजन किया जा रहा है। आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है, इसकी पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो आगे की इसमें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।